हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए ऐसी चटनी बनाएंगे कि जो आपने कभी ना ही बनाई होगी और ना ही कभी खाई होगी। तो देखिए, मैंने अदरक का और लहसुन का इतना मतलब लहसुन की कलियां ले ली हैं और अदरक भी छोटा सा टुकड़ा एक ले लिया है, और मैं ये मिर्च ली हूँ 4-5, अपने तीखा जितना आप तीखा खाना पसंद करें, और दाल मैंने कच्ची दाल चने की ली है। तो इसे मैं अच्छे से भून लूँगी फ्राई पैन में, इसे अच्छे से बिना तेल बिना घी कुछ भी इसमें ऐड नहीं करना, और इसे अच्छे से भून लेना है ताकि ये हल्का सा ब्राउन हो जाए और अंदर तक का इसका मतलब फ्लेवर अच्छा आए चटनी का, तो ये अच्छे से पक जाए। तो ये राज जानना है तो मेरी चटनी का मतलब पूरा देखें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो देखिए, मैंने इसे अच्छे से भून लिया है। अब मैं सारी चीज़ें मिक्सर के ग्राइंड जार में सारी चीज़ें ऐड करूँगी। मूँगफली को मैंने पहले से ही भून के रखा हुआ था, तो इसे मैं एक कटोरी मूँगफली ले लूँगी और एक कटोरी उसी कटोरी से मैं एक कटोरी चने की दाल। तो मिर्च और लहसुन अदरक का जो मैंने दिखाया था आपको कि कलियाँ ली थी, जितनी भी आप जितनी ले सकें। तो देखिए, मिर्च भी हमने अपने तीखे के अनुसार बनाया। आप चाहे तो इसके साथ लाल मिर्च खाते हैं तो लाल ले सकते हैं, बट मैंने हरी ली है, और धनिया भी मैंने हरी ली है, साबुत धनिया। इसे धुल के अच्छे से फ्रेश साफ लिए, देखिए ग्राइंड कर लिया। और इसकी चटनी अगर आप खाएंगे ना, तो मार्केट की चटनियाँ तो भूल ही जाएंगे। एक बार घर पे बना के खाइए इसे, चावल से, रोटी से, जो जिससे भी आपको खानी हो। हर कोई नाश्ते के साथ चटनी आ जाए तो मतलब नाश्ते का स्वाद ही बढ़ जाता है। तो ये चटनी आप फटाफट अपने घर पे बनाएं और सभी लोगों को खिलाएं। ये बहुत ही अच्छे से और बहुत ही कम टाइम में बहुत ही जल्दी झटपट बन के रेडी हो जाती है। तो वीडियो पसंद आए दोस्तों तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए, अगली चटनी दोबारा दूसरी कोई लेके फिर आती हूँ। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय माता दी।